उम्र आपकी मुझे लगता है शादी के लायक हो गई है, तो इसके बारे में विचार क्या है? शादी अभी करवाएंगे जी, 2024 में फरवरी में शादी है जी। हाँ जी, रिश्ता तय हो गया? हाँ रिश्ता हो गया जी। तो कोई सी प्लेयर को चुना या कुछ और घर वालों की मर्जी से रिश्ता मैरिज कर रहे हैं? घर वालों की मर्जी से अरेंज मैरिज करी है जी। हाँ जी हरियाणा के साथ साथ पंजाब में और उत्तरी भारत में एक रवि दोहरा का अपना नाम है, विशेष रूप से कबड्डी प्लेयर के तौर पे। तो आपकी जो उपलब्धियां थी अब तक, आप पता लगा कि कई मोटरसाइकिल जीते हैं, तो अब तक कितने मोटरसाइकिल और क्या क्या नाम जीत चुके हैं? मोटरसाइकिल पक्का तो मुझे कन्फर्म नहीं है, वैसे फिर भी 70-80 बाइक में जीत चुका हूँ, और 5 ट्रैक्टर, घोड़ा वगैरह, मैस भी जीती है, लंडी जीप जीती है, और गोल्ड रिंग वगैरह कैश प्राइज जीते हैं। तो ये जो प्राइज है, एक तो ये जो कबड्डी है, सर्कल कबड्डी आप खेलते हैं, ये टीम का गेम है, तो आपको अलग से ये प्राइज कैसे मिलते हैं, किस आधार पर मिलते हैं? जो टीम का प्राइज होता है वो टीम को मिलता है, उसके अलावा अलग से बेस्ट प्लेयर को, जैसे बेस्ट रेडर हो गया, बेस्ट कैचर है, उसको प्राइज दिया जाता है हर मैच में, जो टूर्नामेंट में रखा होता है भी, बेस्ट प्लेयर को ये नाम है तो वो बेस्ट प्लेयर को मिलता है, जैसे बेस्ट रेडर है, बेस्ट कैचर को। आपकी पहचान बेस्ट ट्रेडर की है, तो वो जो गुर हैं बेस्ट ट्रेडर के, वो कैसे डेवलप हुए और आपने उसमें इतनी पकड़ कैसे बनाई? बस शुरू से इंटरेस्ट था जी भाई रेड डालने में, जैसे ग्राउंड में प्रैक्टिस करे कर दे तो शुरू में इंटरेस्ट, रेड डालने में इंटरेस्ट अपना, तो अपने वही चुने ले, उसे में इंटरेस्ट था सही शुरू से ही। आपकी कोई सबसे बड़ी रेड ध्यान है कोई? रेड तो जी बहुत है, जैसे भी बाहर भी लगे जाते हैं रेड पे, जैसे डॉलर लग जाते हैं, 5100 डॉलर, 7100 डॉलर, और यहाँ भी लाखों में प्राइज लगता है रेडों पे। हाँ कोई जी, ध्यान है स्पेशल पर्टिकुलर, कोई एक मामला ध्यान है इसमें अच्छा इनाम मिला? मैंने 5100 डॉलर की रेड कई बार लगाई है, काफी बार लगाई है। हाँ काफी बार लगाए जी, काफी बार तो लगाई। कई बच्चों को बाहर जाने का वैसे भी क्रेज रहता है, तो क्या हम मान सकते हैं कि बच्चे प्लेयर बने और बाहर जाने का अच्छा अवसर मिल सकता है? हाँ जी, एक बहुत अच्छा साधन है ये भी, अगर बंदा स्ट्रगल करके मेहनत करके प्लेयर बन जाए तो उसके लिए बाहर जाने का ही बेस्ट ऑफर है। तो आप एक प्लेयर के तौर पे जो है ना, जब भी कोई सी गेम में कोई बच्चा जाता है, उसको एक खुराक की, कई परिवारों में रहता है खुराक नहीं दे पाते, तो कबड्डी प्लेयर के तौर पे खुराक में अब क्या स्पेशल रहता है आपका खाने पीने का? खुराक में जी बस ड्राई फ्रूट हो गए, जैसे अंजीर, अखरोट, काजू, बादाम वगैरह, और बादाम रगड़ा हो गया, देसी घी हो गया, यही चीजें जी खाते हैं, बाकी प्रोटीन ले लेते हैं। हाँ, बाकी जो नॉन वेज है, जो खाता है वो ले सकता है, जो नहीं वो तो भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटी के तौर पे कबड्डी प्लेयर के लिए एक दिन में जो आपने चीजें बताई, कितना क्या चाहिए? क्वांटिटी तो हिसाब से लो, जैसे घी 200 ग्राम घी तो एक प्लेयर ना चाहिए है दिन में जी, कम से कम। हाँ, 200 ग्राम घी और ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट जैसे 8-10 बादाम डेली हो गए, 2 से 3 अंजीर, 2 से 3 अखरोट, 2-4 अखरोट, तो ये सवेरे लेना चाहिए सारा कुछ, बाकी चना हो गया, देसी अपनी घर की सिंपल डाइट लेनी चाहिए। बढ़िया, तो जैसे आप ने कबड्डी खेलना शुरू किया और ये इनाम जीते, तो फैमिली बैकग्राउंड क्या थी, कितना हेल्प मिली आपसे परिवार को? देखो जी मैं बिल्कुल नॉर्मल परिवार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन फैमिली की मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट रही है, फैमिली की वजह से आज यहाँ तक पहुंचे हैं, तो घर वालों ने फुल सपोर्ट किया, कभी मना नहीं किया खेलने से, किसी चीज से मना नहीं किया, तो उनकी फुल सपोर्ट रही है, उनकी सपोर्ट्स की वजह से आज यहाँ तक पहुंचे हैं। परिवार में आय का साधन क्या है मेन? बस आएगा यही साधन, खेती बाड़ी थी जी पहला अपना, जो खेती बाड़ी करे कर दे बस, ये तो अब अपना। आपने खुद काफी मेहनत, काफी हेल्प की है परिवार की, हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया, तो जो इनाम मिले उनसे काफी हेल्प मिली। बहुत ज्यादा हेल्प मिली है जी।